इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस लेने के साथ ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस सियासी घटनाक्रम के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है उसको देखकर अधिकांश कांग्रेस के अंदर भी भगदौड़ का माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनका केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेशिक नेतृत्व किस दिशा में ले जाना चाहता है पार्टी को, और उसी के कारण वहां पे अभी असमंजस है। और उस असमंजस के कारण जितने लोग राम को प्रिय हैं, जो राम को प्यार करते हैं, जो देश को प्यार करते हैं, जो राष्ट्रवाद को प्यार करते हैं, जो कश्मीर को प्यार करते हैं, जो स्वदेश को अपनाते हैं, जो स्वदेशी को अपनाते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की ओर निश्चल मन से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी उसके वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आ रहे हैं। मोदी जी के विकास के साथ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी भाजपा के साथ आ रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार के मिश्रा जी का एक बयान आया। उस बयान पे मुझे लगा कि पंडित जी का ये बयान के मिश्रा जी का कुछ तो भी उथल पुथल वाला बयान है। उन्होंने कहा कि अक्षय कांति बम जिस प्रकार से कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में गए, उन्होंने वेश्या का काम किया है। मेरा उनसे निवेदन है, वो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप कांग्रेस को छोड़ के तिवारी कांग्रेस में गए थे और तिवारी कांग्रेस से फिर वापस आप कांग्रेस में आए थे, तो आपका वो कर्म किस श्रेणी में आता है? हमें बेमतलब में एक अच्छे आदमी के खिलाफ, शिक्षित आदमी के खिलाफ, पढ़े लिखे आदमी के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी के मिश्रा जी के व्यक्तित्व के अनुरूप भी नहीं है। तो मेरा उनको व्यक्तिगत सलाह है कि वे कोई सा अच्छा टॉनिक लें, उनके दिमाग को तंदुरुस्त रखें, बादाम खाएं, इसके अलावा ठंडी छाँछ पिए, नींबू पानी पिए, उलुल जुलुल बातें ना करें, गर्मी का मौसम है, गन्ने का रस पिए यदि उनको शुगर ना हो तो ये सारी बातें हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, मोदी का परिवार बढ़ रहा है, और विकास के साथ आ रहे हैं लोग, राम के साथ आ रहे हैं लोग, राम मंदिर के साथ आ रहे हैं लोग, काशी विश्वनाथ के साथ आ रहे हैं लोग, मथुरा के साथ आ रहे हैं लोग, बड़े अच्छे हाईवे के साथ आ रहे हैं, अच्छी नए मेट्रो और नई रेलवे के लिए आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इंदौर में बड़ी मजबूत है। 1990 से लेकर अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर एकाध बार छोड़ दो, इंदौर की जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 9 विधायक दिए, इसके पहले भी अधिकांश विधानसभाओं में हमारे विधायक होते थे। महापौर हम यहाँ लगातार जीत रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनता है, सांसद हमारा बनता है, नगर निगम की परिषद हमारी बनती है, जनपद हमारे बनते हैं, नगर पंचायत में हम लोग रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है और कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है केवल विधवा विलाप के अलावा। या तो अभी तो कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि जैसे मंडप से कोई लड़की एकदम यकायक गायब हो जाए और कांग्रेसी ढूंढ रहे हैं अब कि अब बारात तो आ गई है मुहाने पे, बिदा तो करना है, तो पड़ोसी की या खानदान की दूसरी लड़कियों को ढूंढ रहे हैं कि तू मंडप में बैठ जा, तू मंडप में बैठ जा, तू मंडप में बैठ जा। तो कांग्रेस में तो मंडप में बैठने के लिए दुल्हन तक नहीं है, ये कैसे चुनाव की बेतरनी पार करेंगे? मेरा उन सबको पुनः शुभकामना है कि कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए और उनका इलाज होना चाहिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है लोकतंत्र की हत्या करना। हमारे नेता राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, कई सभाओं में कह चुके हैं कि ये देश का आखिरी चुनाव है, इसके बाद लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो जाएगी देश में। वोट डालने का अधिकार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब उनको लगता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं तो या तो प्रत्याशी खरीदती है या सरकारें गिराती है, तो इस बार भी उन्होंने वही करा। हमारे प्रत्याशी को खरीदा, हमारे प्रत्याशी को उन लोगों ने दबाव डरा के धमका के 307 का प्रकरण उस पर पंजीबद्ध करा दिया, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के रात भर उनको डराया धमकाया गया और आज उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और निश्चित रूप से माना जाएगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहा है, ये जो लोग आयातित होके आ रहे हैं इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो कुछ महीने के लिए पहले पार्टी में आते हैं, उनको टिकट देने से पहले 10 बार वो भी विचार करें। निश्चित रूप से मंथन की आवश्यकता है। ये दौर संघर्ष का दौर है, ये वो दौर है जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है, हमारा मतदाता जो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और पंजे के निशान पर वोट डालता है, जो गांधी नेहरू की सोच को वोट डालता है, जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालता है, हमें उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर हम विचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय और संघर्ष का रहेगा।
पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि सड़कों पर 12 महीने लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को हम कब सम्मान देंगे। अगर वो सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से पार्टी को भी सम्मान मिलेगा। इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता रात दिन ठंड गर्मी बरसात नहीं देखता, सड़कों पर लड़ता है, आज उसकी स्थिति बड़ी विचित्र है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आज वो वहां पर भी लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रहा है। अब पार्टी नेतृत्व को इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए।